आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं रक्षित शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र भगवान नगर गली नंबर 4 में घर में घुसकर एक परिवार संग मारपीट करने के साथ ही छेड़खानी करने का आरोप। थाने में तहरीर देते हुए पीड़ित परिवार की महिलाओं ने लगाया आरोप और एक बीजेपी पार्षद को उनके समर्थन में कार्यवाही न करने देने की बात कही। बताया गया है कि थाना उत्तर क्षेत्र भगवान नगर गली नंबर 4 निवासी मीनू पुत्री श्यामपाल, दोनों काल्पनिक नाम, ने आज थाने में तहरीर देते हुए बताया कि आज 12:30 बजे करीब हमारी गली की ही ममता, गीता, शिवानी, पिंकी, गुड्डी, रमेश, मनोज, गौरव ने अचानक उसके घर में घुसकर परिवार के सभी लोगों संग मारपीट की और गाली गलौज की। साथ ही कहा कि पहले वाले केस में राजीनामा कर लो, वरना अन्यथा पहले छेड़खानी की थी, अब बलात्कार कर देंगे। हमारे साथ बीजेपी पार्षद प्रेमचंद्र शंखवार है, जो हमारा कुछ नहीं होने देंगे। परिवार की महिलाओं ने यह तक बताया कि भाजपा पार्षद प्रेमचंद्र शंखवार भी समझौता कराने को दबाव बना रहे हैं और नंद के साथ पहले बलात्कार किया जा चुका है। वहीं पार्षद प्रेमचंद्र शंखवार ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं, मैंने कोई दबाव नहीं बनाया, बाकी पुलिस जांच करेगी, सब सामने आ जाएगा। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। पूजा, पूजा पति का नाम क्या है? चंचल। कहाँ रहती हो? भगवान नगर। आज थाना उत्तर में क्यों आई हो यहाँ? इसलिए आए, कल मुझे धमकी दी थी गौरव ने और उसके बाप ने और मनोज ने, ये कहा था तेरी नंद के साथ किया वो ही तेरे साथ करेंगे। नंद के साथ क्या हुआ था? बलात्कार किया था। किन लोगों ने? मनोज ने, गौरव ने। कहाँ के निवासी हैं? मैं ही के हैं, भगवान नगर के। अच्छा, आज क्या हुआ पूरा मामले? आज ये था कि पापा को सब वो लोग मार रहे थे, हम लोग गए तो उसके बाप ने हमारी छेड़खानी की, उसने ये कपड़े अपने सारे फाड़ दिए हमारे और सब पूरे। आपकी सुनवाई हो रही है? नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। उनकी रिपोर्ट ले ली है, उनने रुपए बदले और वो चले गए, हम लोग बैठा रहे हैं। आपके बारे में क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे ही यहीं बैठ जाओ ये बोलते ही, कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, उसी ने रुपये भर दिए और सब रुपये खा के बैठे हैं। प्रेमचंद ने। कौन है प्रेमचंद? मेरे नेता है। उत्तर थाने में क्या मामला है? मेरे साथ मारपीट हुई है और मेरे बीच सभी प्लॉट में मेरे जाके मेरे साथ बलात्कार करने लगे। उसको मनोज और गौरव और रमेश ने तो चढ़ के आए, डंडे से मारा मुझे। मैं चौकी भागी, चौकी जहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं हुआ। विक्रांत जी के सर के पास फोन किया, कुछ भी नहीं मेरा हो रहा वहाँ पे भी। ये बोल रहे मुझसे राजीनामा कर लो, मुझसे बोल रहे राजीनामा कर लो, इसमें तेरी भलाई है। कोचिंग जाते तब भी मुझे छेड़छाड़ करते, कोचिंग जाते हुए मुझसे पूछते तेरे साथ अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ये सब हो रहा है, अभी और ज़्यादा होगा। फोटो छपा, ये भगवान नगर के हैं, मेरी गली के। क्या पहले भी इन पे कोई कानूनी कार्रवाई हो चुकी है? क्या मामला था पहले? पहले बलात्कार का था, गौरव ने मेरे साथ बलात्कार किया था, फिर ऊपर से बोलता है मोहल्ले का है वो। कौन क्या करता क्या है? वो चोरी का काम होता है। वो प्रेमचंद है ना, मुझसे मैं कोचिंग जाती थी, मुझे मेरे साथ ये बोलता है कि राजीनामा कर लेते, इसमें भलाई है। मैंने ये बोला कौन है प्रेमचंद? कौन है? नेता है प्रेमचंद। प्रेमचंद नेता है, मुझसे बोलता कोचिंग जाती, मुझसे बोलता राजीनामा कर ले। मनोज भी समझाता है। मुझे पूरा नाम प्रेमचंद शंखवार है, नाम है उनका। किस पार्टी के नेता है? एपी ऐसे कुछ है, बीजेपी के। हाँ, बीजेपी के पार्षद है। हाँ, अच्छा, उनके साथ रहता है। हाँ, मैं स्कूल जाती हूँ मैं, वो रायपुर लेके मुझे। पार्षद कौन है वहाँ का? प्रेमचंद शंखवार है, वो सपोर्ट कर रहा है। अब आप थाने में क्यों आई हो? क्या आपके क्या क्या मारपीट हुई है मेरे पास? मेरे साथ मारपीट हुई है और वहाँ पे और पापा को चप्पल लेके मारने आ गई थी, उनकी लगाई बोली थी चांद, और उसकी बहन भी आ गई चांद फाड़ के बोलने लगी इन्होंने चांद फाड़ दिया। दर्ज करा दी? अभी कुछ नहीं हुआ है मेरा, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरा तो। क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा? ये लोग बोल रहे हैं राजीनामा कर लो, पैसे भर देते। प्रेमचंद संगी चल रहा है, कुछ होने नहीं दे रहा। पूरा मामला पूरा मामला
पापा बाहर प्लॉट में खड़े थे, हैं पापा बाहर खड़े थे, वो यहाँ से निकल के जा रही थी और यूँ करके टक्का मार के चप्पल तार ली करता, वो कहने लगे कि मेरे साथ बलात्कार कर रहा था। इतने में मैं पहुँच गई, हैं उसकी बहन बहन मनोज गीता की गीता ममता और रमेश मुझको फील्ड में डाल दिया और मुझसे वहाँ पे करने लगा छेड़खानी मेरे साथ। मुझसे बोला तेरा फायदा है, अपने मम्मी पापा को बचाना चाहती, तो ये सब कुछ राजीनामा कर लेते ना, इसी में सब तेरी भलाई है। सभी लोग धमकी दे रहे हैं। हाँ मैं चिल्लाई थी, सभी काफी सारी भीड़ लगी थी पर उस जगह कोई नहीं था। हाँ मतलब मेरे घर वाले सब आ गए थे, बिलो डंडा ले ले लेके आए थे मेरे साथ, कुछ सब लोग खड़े हो गए थे। भाभी ने मुझे बचाने की कोशिश करी तो भाभी को भी साथ ये भी करने लगा। मैं भाभी की पूजा